तो वड़ा वाइब वड़ा लाइफ, आज मैं आपको विसर्जन दिखाने जा रहा हूँ जिनका नाम है मालवीय चौक का राजा, जो बहुत सुंदर बने हैं। साल 18 फीट इनकी हाइट है और ये भी हनुमान ताल में विसर्जित होते हैं। माहौल वहाँ पे बन चुका है, हम जा रहे हैं माहौल को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि क्रेजी वाइब्स हैं भाई साहब विसर्जन में इस साल। तो आप भी ईयरफोन लगाइए और हमारे साथ इस माहौल को बढ़िया, इस वाइब्स को ज्वाइन करिए। चलिए इस साल गणेश जी के ब्लॉग्स डाल के हर समिति में इतना प्यार मिल रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकता। बहुत खूबसूरत मूर्ति है बप्पा की, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। दोनों विसर्जन में एक साथ हूँ, पीछे मेरे काले गणेश जी हैं और आगे मालवीय चौक के राजा। भाई नेक्स्ट लेवल वाइब्स है, ये सब करने में बहुत मजा आती है। पप्पा की गाड़ी मिल गई है, ये पप्पा पीछे, और अब हम कमानिया क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट लेवल वाइब्स है।
तो ये सब पहली बार हो रहा है लाइफ में, पप्पा की इतनी इतनी ज़्यादा मतलब कृपा हुई है, उन्हीं की गाड़ी मिल गई, अब तो आराम से विसर्जन तक बहुत ईजिली जा सकता हूँ मैं। सबसे पहले पप्पा की आरती होगी और उसके बाद फिर श्रृंगार उतरेगा, सारी सजावट जो पीछे आर्च वगैरह लगी है वो सब निकलेंगे और उसके बाद फिर पप्पा को विदा किया जाएगा। अभी पप्पा की आरती हुई और अब विसर्जन की तैयारियां हो रही और बहुत सही माहौल है भाई, नेक्स्ट लेवल वाइब्स हैं आज। और काले गणेश जी बस आने वाले हैं, इनके बाद मैं वहीं पे जाऊंगा। चारों तरफ बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं चारों तरफ हनुमान ताल में। जय, बस अब कुछ ही क्षणों में प्रभु चले जाएंगे, लेकिन अगले साल हम और अच्छे तरीके से प्रभु का स्वागत करेंगे, हमारे सबसे प्रिय गजानन महाराज। तो ये था मालवीय चौक के राजा जी का विसर्जन, जो बहुत धूमधाम और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बप्पा हमारे पास बस ऐसे आए जैसे हम एक रात पहले सोए और सुबह उठ गए, यानी कि 11 दिन पलक झपकते ही निकल गए। पर कोई बात नहीं, अगले साल हम बहुत अच्छे से बप्पा का आगमन फिर से करेंगे और फिर से आपके लिए हम ब्लॉग्स लेके आएंगे और आपको घर बैठे फील करवाएंगे, क्योंकि हम वीडियोज़ नहीं वाइब्स बनाते हैं। आज के लिए बस इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब्स के साथ जीते रहिए भाई साहब। बाय बाय।